अभी हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हर बार बात हो रही है फियरलेसनेस की, और ये बोला जा रहा है कि हमें डरना नहीं है। तो उसी के साथ चलते हुए मैं कुछ ज़्यादा, मैं तो खुद लिखता नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि बोलने से बेहतर है कि पाश साहब की एक कविता है, मैं वो पढ़ के आप लोगों को एक बार सुनाना चाहूँगा। मैं घास हूँ, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा, बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूँ, हर चीज पर उगाऊंगा। बंके को ढेर कर दो, संगरूर मिटा डालो, धूल में मिला दो लुधियाना जिला, मेरी हरियाली अपना काम करेगी, 2 साल 10 साल बाद सवारियां फिर किसी कंडक्टर से पूछेंगी ये कौन सी जगह है, मुझे बरनाला उतार देना जहां हरे घास का जंगल है। मैं घास हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। शुक्रिया। बात हुई तो मुझसे बात हुई कि एक कविता और है, और फियरलेसनेस के बारे में ही हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो कई बार, पर मुझे लगता है कि बहुत ताकत देने वाली वो लगती है नज़्म मुझे, राहत इंदौरी साहब की। मैं एक बार ये भी आपके सामने पढ़ूं। अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।